शनिवार को भारतीय सेना प्रमुख विपिन रावत देहरादून स्थित भारतीय सैन्य एकेडमी गए, जहां उन्होंने पासिंग आउट परेड के दौरान रिक्रूट्स को संबोधित करते हुए कई अहम बातें कही। पत्रकारों से बात करते हुए विपिन रावत ने महिला जवानों की अहमियत बताई। उन्होंने कहा कि आजकल महिलाओं को ढाल बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे में पुरुष जवानों को कार्रवाई करने में परेशानी होती है। हमारे फौज में इस वक्त लेडी ऑफिसर्स तैनात हैं, पहले से हमारे यहाँ लेडी डॉक्टर भी हैं, हमारे यहाँ मिलिट्री नेवी नर्सिंग सर्विस में भी लेडीज तैनात हैं। इस वक्त इंजीनियर्स, सिग्नल्स, आर्मी या डिफेंस उन आर्म्स में भी लेडी ऑफिसर्स तैनात हैं, लेकिन हमारी जो इस वक्त ज़रूरत है वो ये है कि हमारे को रैंक एंड फाइल में, यानी कि जवानों के और हमारे जो सरदार साहिबान होते हैं उस रैंक में भी लेडीज की ज़रूरत है। वो क्यों है? क्योंकि हम लोग कई बार जब ऑपरेशन पे जाते हैं, हम लोग को आवाम का सामना करना पड़ता है। इस आवाम में कई बार लेडीज हमारे आगे आ जाती हैं, उनके साथ कार्रवाई करने में हमारे जो मेल मेंबर्स हैं उनको कभी कभी झिझक हो जाती है। उस कार्रवाई में सक्षम होने के लिए हमें ज़रूरी है कि हमारे पास लेडीज जवानों की तरह भी तैनात हों। साथ साथ कई बार हमारे को कोई भी अगर हमारा फंक्शन होता है, वहाँ पर हमारे को लेडी पुलिस या महिला पुलिस की जब जरूरत पड़ती है तो हम लोग लोकल पुलिस से मदद मांगते हैं। मेरा नज़रिया ये है कि अगर हमें अपने पास, हमारे पास खुद अगर लेडी महिला पुलिस हो तो हमें ये जरूरत नहीं पड़ेगी और हम जल्दी से जल्दी सक्षम होकर अपनी कार्यवाही को पूरा कर सकते। विपिन रावत ने सोशल मीडिया को कश्मीर में हालात बिगड़ने का जिम्मेदार ठहराया और कहा कि सोशल मीडिया के जरिए कश्मीर में डिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है।